नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में फ्री मोबाइल योजना के बारे में। दोस्तों राजस्थान में गहलोत सरकार के प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को 7,500 करोड़ के स्मार्टफोन देने के वादे को जल्द ही पूरा करने जा रहे हैं। सरकार ने हाल ही में 1.33 करोड़ मोबाइल हैंडसेट 3 साल तक फ्री 4G इंटरनेट के साथ सप्लाई करने के लिए टेंडर जारी कर दिया, जिसमें हर स्मार्टफोन की कीमत करीब 5600 रुपये तय की गई। बताया जा रहा है कि गहलोत सरकार की चौथी सालगिरह पर महिलाओं को मोबाइल हैंडसेट वितरण शुरू किया जाएगा। सरकारी एजेंसी राजकॉम के 2 दिन पहले जारी किए गए टेंडर के मुताबिक इसकी कुल कीमत 7,500 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.33 करोड़ स्मार्टफोन और 3 साल तक इंटरनेट सुविधा शामिल की गई। बता दें कि सरकार के इस टेंडर बोली में देश भर की मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां शामिल होने जा रही है। सरकार ने 23 मई को 3 बजे प्री बिड बैठक रखी गई है, जिसमें 1 जुलाई को टेक्निकल बिल्ड खुलेगी। वहीं कंपनी के तय होने के बाद सरकार ने टेंडर में ऑर्डर मिलने के 1 साल के भीतर सप्लाई करने की शर्त भी रखी गई। अब बात करते हैं किन लोगों को ये मोबाइल मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2022 के राज्य बजट में प्रदेश की 1.33 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन देने का ऐलान किया था, जिसके बाद सरकार ने बताया कि सरकारी मोबाइल फोन परिवार की मुखिया महिला को दिया जाएगा, जिसका नाम जन आधार कार्ड में दर्ज है। वही मोबाइल के साथ 3 साल तक इंटरनेट फ्री भी दिया जाएगा। ये स्मार्टफोन कहाँ दिए जाएंगे? सरकार के मुताबिक जिन महिलाओं को मोबाइल दिए जाने हैं उनका पूरा रिकॉर्ड सरकार रखेगी और उसी के आधार पर उन्हें सिम दी जाएगी। सरकार स्मार्टफोन का वितरण जिला और ब्लॉक लेवल पर करेगी, जहाँ ई KYC के माध्यम से जगह तय करने IT विभाग वितरण करेगा।